सभी वरिष्ठ महानुभाव और साथियों, सिविल सर्विस डे कई वर्षों से मनाया जाता है। आप लोग भी पहले भी इस अवसर पर रहे होंगे और कुछ बदलाव करने का विचार आया। एक प्रकार से बदलाव की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे ये शेप लेगा कि सिविल सर्विस डे को कैसे मनाया जाए। जिन महानुभावों ने आज अवार्ड प्राप्त, उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन राज्यों को अभिनंदन करता हूं, उन राज्य सरकारों को अभिनंदन करता हूं। मैं कभी मसूरी आपके इंस्टीट्यूट गया नहीं हूं, नहीं है। लेकिन क्या वहां ऐसा है कि बड़े सीरियस रहना, मुरझाए हुए रहना, ऐसे बड़ी दुनिया भर का भार लेके घूमना, ऐसा है क्या? क्यों ऐसा हाल बना के बैठे आप लोग? छोड़ दीजिए, कोई नए काम में कहने वाला नहीं हूं। इस सिविल सर्विस डे में एक बात तो जरूर होनी चाहिए, किस प्रकार से हो, कैसे हो, आप लोग जरा ज्यादा कर सकते, उसमें मैं ज्यादा सुझाव नहीं दे सकता हूं, तो उसमें लेकिन कम से कम जब शाम को आप नौकरी से घर जाएं, तो आपकी पत्नी दरवाजे का इंतजार करती हो, बच्चे आपका इंतजार करते हो और बड़े उत्सुक हो आपके स्वागत के लिए, ऐसा माहौल कैसे बने? वरना क्या होता होगा, घड़ी से बस अभी जाने की टाइम हो गई, चलो चलो जल्दी करो, बच्चा इधर भाग जाए। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में जो कुछ भी बोझ पड़ा होगा सब घर में आकर के बरसा कर देता है, पत्नी पर, बच्चों पर। एक तनावपूर्ण जिंदगी, मैं नहीं मानता हूं कि इससे हम किसी भी चीज को न्याय दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और इतना बड़ा देश आपको चलाना है, और अगर आप मुरझा गए तो देश का खिलना कैसे संभव होगा? और इसलिए मेरा एक भी साथी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। आप काफी काम करते होंगे, कभी सोचा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जिंदगी फाइलों में बन चुकी है? आपकी जिंदगी भी फाइल का एक कागज का पन्ना बनकर रह गया है, ऐसा तो नहीं हुआ ना? सोचिए, मैं सच बताता हूं, सोचिए। अगर आपकी जिंदगी फाइल बन गई है और जब कार्यकाल पूरा होगा तो आपका पूरा जीवन फाइल का एक पन्ना बनकर रह जाए, वो जिंदगी क्या, क्या जिंदगी जीना है जी? ऐसे जियोगे क्या? सरकार है तो फाइल है, उसके बिना कोई चारा नहीं है। आपका एक दूसरा अर्धांग यही है, फाइल। लेकिन
अगर लाइफ की केयर नहीं की तो फाइलें भी वैसी की वैसी रह जाएगी। और इसलिए कभी आप सोचिए, आपको इतनी सारी चीजें पढ़ते होंगे, इतनी चीजें सीखते होंगे, दुनिया के बढ़िया से बढ़िया लोगों के आपने किताबें पढ़ी होगी, क्योंकि मूलतः तो आप इसी प्रकृति के होंगे, तभी तो यहां पहुंचे होंगे। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला याद ही आता है? जो कॉलेज में यूनियन बाजी करता है वो यह थोड़ा होता है। जो किताबों में खोया हुआ रहता है वही तो होता है। बहुत कुछ पढ़ा होगा। टाइम मैनेजमेंट पर पता नहीं आपको भी कहा जाए तो बहुत बढ़िया किताब लिख सकते हैं आप, बहुत अच्छी लिख सकते हैं। और आप जीवन में भी इतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट करते होंगे कि प्रधानमंत्री के साथ इतने से इतने बड़े मीटिंग, फलाने इतने से इतने बड़े मीटिंग, चीफ सेक्रेटरी से इतने बजे, अपने सचिव के साथ इतने, सब परफेक्ट करते होंगे। लेकिन क्या कभी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं क्या? और मैं शब्द प्रयोग करता हूं क्वालिटी टाइम। मैं चाहूंगा सिविल सर्विस डे पर मेरे साथी ये भी सोचे, मैंने कहा मैं इसमें गाइड नहीं कर सकता आपको कि मैं इसमें बेकार हूं, लेकिन जो कर सकते हैं वो सोचें। कभी कभार आप एक छत के नीचे रहते हैं फिर भी आप घर में होते, ऐसा नहीं होता है जी, तब भी फाइलें लेके जाते हैं, तब भी फोन चलते हैं, तब भी कोई क्राइसिस आ जाती है, पता नहीं क्या कुछ होता है। और कभी कभार तो ऐसा संकट ना आए तो दिन भी आपका अच्छा नहीं जाता होगा, खैर पता नहीं आज कोई कुछ आया नहीं। आप कल्पना कीजिए कहीं आपका जीवन रोबोट तो नहीं हो गया है, और अगर ऐसा हुआ है तो उसका सीधा असर पूरी सरकार पे पड़ता है, पूरी व्यवस्था पे पड़ता है। हम रोबोटिक नहीं हो सकते, हमारा वो जीवन नहीं हो सकता। और इसलिए हम जब भी सिविल सर्विस डे मनाए तो कुछ पल अपनों का ख्याल रखने के लिए भी तो रखा जाए। वो बातें हो, वो क्या एक्सपीरियंस है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैं कर्मयोगी अभियान चलाता था, कर्मचारी कर्मयोगी बने, दैट वॉज माई कोशिश। तो शुरू में जब मैंने किया तो जैसे हर बार ट्रेनिंग यानी पनिशमेंट, ये सब मानते हैं आप यहां पहुंचे हुए भी यही मानते हो कि भाई ठीक वो मुझे क्या पढ़ाएंगे, मैं इतने साल इतना यहां तक पहुंचा हूं, मैं तो रैंक होल्डर रहा हूं, उसके लिए बोझ लगता है। तो शुरू में मुझे भी ऐसा आया कि ये क्या, और 72 आवर का कैप्सूल था हर एक के लिए, वो शुरू किया था मैं। जब मैं शुरू किया तो ऐसा सुनता था सबसे कि ऐसा आ रहा है, मुझे तो कोई कहता नहीं था लेकिन मेरे कान पे बातें आती थी। फिर एक दिन मैंने 6-8 महीने हो गए जरा कार्यक्रम चल पड़ा, फ्राइडे सैटरडे संडे सब हो रहा है, तो मैंने ऐसे एक दिन फीडबैक के लिए मीटिंग रखा, जिनका एक क्लास हो गया था ऐसे लोगों को बुलाया। एक ने मुझे बड़ा बढ़िया बताया, वो पुलिस वाला था, उन्होंने कहा साहब मैं, उसने कहा साहब मैं यहां, मुझे जब कहा गया कि तुमको जाना है तो मैं बहुत, मेरे मन को लगा ये क्या फिर से आया, लेकिन बोले मैं आज दो बातें बताना चाहता हूं, एक ये 72 ओवर्स का टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा अधिक समय रखिए। अब ये मेरे लिए सरप्राइज था। तो फिर मैंने ऐसे पूछा कि तुम्हारा साइड पोस्टिंग तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं नहीं साहब मैं, मुझे बहुत अच्छी हमेशा ड्यूटी मिली है। फिर दूसरा उसने कहा कि साहब 72 ओवर के बाद मुझे पहली बार लगा
कि मैं पुलिस वाला तो हूँ लेकिन मैं इंसान भी हूँ। बोले मैं भूल चुका था कि मैं इंसान हूं, मैं 24 घंटे पुलिस वाला बन गया था। जब तक हमारे भीतर का इंसान जिंदा नहीं रहता, हम इंसानों के लिए जीने की ख्वाहिश छोड़ चुके होते हैं दोस्तों। और इसलिए हमारी सफलता की सबसे पहली नींव है हमारे भीतर का इंसान, हमारे भीतर की इंसानियत, अपनापन, अपनों के लिए जीना जूझना, ये चीजें एक बहुत बड़ी ताकत देती है। और इसलिए मैं इस सिविल सर्विस डे को जब मनाते हैं तो उसके कुछ तौर तरीके पर सोचा जाए, ऐसा मैं जरूर चाहूंगा। जब ये इस सिविल सर्विस डे का प्रारंभ हुआ है, सरदार पटेल ने पहली बार जब प्रोबेशन को संबोधित किया, उस दिन के साथ जोड़ा है, आज 21 अप्रैल को 1948 का वो दिन था। मुझे बताया गया कि मशहूरी में आप लोगों के लिए एक मोटो वहां लिखा हुआ रहता है। मैं ज्यादातर लोगों को पूछता रहता हूं कि मशहूरी में आपका वो मोटो है वो क्या है। जो नए नए आते हैं उनको तो याद होता है, पुराने करीब करीब सब भूल गए हैं। वहां लिखा हुआ है शीलम परम भूषणम, मसूरी में यही है ना, भूल गए याद है, जो नए हैं उनको तो मालूम है। इस सरकार में जिसने भी इस व्यवस्था की रचना की है उसे उस दिन भी पता था, यानी आज ये कोई संकट आया ऐसा नहीं है, उस दिन भी पता था कि सारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में एक चीज कहीं छूटनी ना चाहिए, वो है शीलम परम भूषणम। मैं चाहूंगा सिविल सर्विस में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये वाक्य नहीं है, घोष वाक्य नहीं है, ये शब्द संरचना नहीं है, ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये जीवन जीने का एकमात्र सिद्धांत है, एकमात्र मार्ग है। और इसलिए जहां से मैं निकला हूं, जहां पहुंचा हूं, वहां से मुझे कोई एक मंत्र की दीक्षा दी गई थी, तो वो दीक्षा थी शीलम परम भूषणम। और हमारे यहां तो वेस्टर्न वर्ल्ड हो या ये हो, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये तो हम सुनते आए हैं, सुनाते भी आए हैं। और इसलिए उस बात का बार बार हमें स्मरण कैसे हो, वहां मुझे बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई की एक प्रतिमा भी है, उस प्रतिमा के नीचे लिखा गया है आप एक स्वतंत्र भारत की तब तक कल्पना नहीं कर सकते जब तक आपके पास अपने को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने वाली प्रशासनिक सेवा न हो। मैं समझता हूं ये बहुत सटीक मैसेज है सरदार साहब का। और सरदार साहब के साथ इस प्रशासनिक व्यवस्था का नाम सदा सर्वदा जुड़ा हुआ है। सरदार साहब को जब याद करते हैं तो भारत के एकीकरण इस बात को प्रमुख रूप से हम याद करते हैं। राजा रजवाड़ों को जोड़ करके देश को एक नक्शे में जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लेकिन आजादी के बाद अब तक विशेष रूप से इस सेवा से जुड़े लोगों का एक बहुत बड़ा काम है, और वो है सामाजिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण। इस मकसद की पूर्ति के लिए जिस सरदार साहब ने हमें उपदेश दिया था, और वहां से जहां हमारी यात्रा शुरू हुई है, वर्तमान में इन दो पहलुओं को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम इस सामाजिक एकीकरण के लिए, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय एकता की प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उसी व्यवस्था से हैं,
हम कहाँ पैदा हुए, किस भाषा को जानते हैं, क्या है, कुछ नहीं। कभी किसी को इस स्टेट में चला जाना पड़ा, कभी किसी को उस स्टेट में जाना पड़ा, और पूरा हिंदुस्तान अपना घर है, अपना परिवार है, उस भाव से काम करने के लिए आपको संस्कारित किया गया है। और तब जाकर के हमारे हर काम में से एकता का मंत्र कैसे साकार होता रहे। अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं तो भी वही एकता का मंत्र हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी सोसाइटी में डिजिटल डिवाइड न हो। हम विकास का वो रास्ता खोजेंगे कि जिसके कारण गरीब और अमीर का फासला बढ़ता न जाए। हम विकास का वो मॉडल तैयार करेंगे जो शहर और गरीब के बीच में, शहर और गांव के बीच में भेद पैदा करता ना हो, एकता एकीकरण के रास्ते पर हमें ले जाता हो। उस बात को हम अपने मूल मंत्रों के साथ जोड़ते हुए अपनी विकास यात्रा को कैसे चला सकते हैं, उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। आने वाले दिनों में जिनको अवार्ड मिला है उसमें कुछ मेरे मन में सुझाव आते हैं। एक तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों से हो सके तो यंग अफसर, क्योंकि अवार्ड विनर भी तो ज्यादा यंग है, हर राज्य से निश्चित तारीख पर 5 दिन के लिए वो टीम उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए जाए जहां पर जिसको हमने अवार्ड दिया है। वो क्या प्रोजेक्ट है, कैसे किया गया है, कंसेप्चुअलाइज कैसे हुआ, रिसोर्स क्या थे, कानूनी व्यवस्थाएं क्या की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या खड़ा किया गया, पूरे देश से एक एक व्यक्ति उस प्रोजेक्ट पर जाए, पूरा देखे। दूसरे प्रोजेक्ट पर दूसरी टोली जाए। मान लीजिए आपके 10 अवार्ड हुए हैं तो हर राज्य से 10 लोग निकले और एक प्रकार से जब वो वापिस आएंगे तो 10 जो बेस्ट अवार्ड विनर प्रोजेक्ट है उस राज्य को पता होगा कि ऐसे हुआ है। फिर वो अपने राज्य के अंदर समझाएं कि मैं वहां गया था नागालैंड में, एक अफसर ने इतनी कठिनाइयों के बीच में इतना बड़ा काम किया है, ऐसे ऐसे किया है। मैं समझता हूं किसी प्रधानमंत्री के भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जाकर के देख करके आएगा। कठिनाइयों में अपने एक साथी ने जो अचीव किया होगा वो अपने राज्य में आकर के, अपने जिले में जाकर के जरूर लागू करेंगे, मैं विश्वास से कहता हूं। और इसलिए अवार्ड किताब में छप जाए ये नहीं चलेगा। जो अच्छा है उसको हमने अडॉप्ट करना चाहिए, जो अच्छा है उसको मॉडिफाई कर करके उसको रिप्लिक कैसे किया जाए उसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन हमने इन चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए। इस बार से शुरू किया जाए, इस अवार्ड के बाद राज्यों को कहा जाए कि भाई इसमें जिसको रुचि है, किसी को स्किल डेवलपमेंट में मिला है अवार्ड तो उनको ले जाइए, किसी को चाइल्ड वेलफेयर में मिला है तो उनको ले जाइए। और मजा देखिए, मजा देखिए, आपको भी मैं कहता हूं, जब आप निवृत्त हो जाएंगे, सुब्रमण्यम जी की एज के हो जाएंगे, आपके घर में पोते होंगे, और बुढ़ापा ऐसी चीज होती है कि एल्बम में टाइम गुजारने का अच्छा लगता है, स्मृतियों को संजोए रखने में अच्छा लगता है, तो आपके पोते को आप कहोगे कि देखिए पहले तो हम ऐसे घर में रहते थे, अब ऐसे मकान में आए, देखिए पहले तो मेरे पास स्कूटर था, अब देखो ये गाड़ी है। दावे से मैं कहता हूं आपको, आपके पोते को अगर आप ये कहोगे कि पहले ऐसी गाड़ी थी, फिर ऐसी गाड़ी आई, फिर ऐसी गाड़ी आई, पहले किराए का मकान था, फिर फ्लैट आया, फिर बंगला आया, उसके दिल को कभी कोई प्रभाव पैदा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने पोते को ये कहोगे कि मैं सिविल सर्विस में काम करता था, उस राज्य के उस जिले में था, और नौकरी पर मैंने देखा था उसके एक गांव ऐसा था उस गांव को पीने का पानी नहीं मिलता था, 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मैंने ऐसी योजना बनाई थी और उस गांव को पानी मिला, मैं दावे से कहता हूं वो आपका पोता अपने पोतों को भी सुनाएगा कि मेरे दादा ने यह काम किया था।
ये मत भूलिए कि आपकी गाड़ी, बंगला, पैसे, प्रतिष्ठा आपके पोते भी याद रखने वाले नहीं है। ये विश्वास कीजिए मेरी बात पे, वे भी उस बात को याद करेंगे। आप जिए कैसे, किसके लिए जिए? समाज और देश ने आपको दिया, आपने उनको क्या दिया? आपका बेटा भी इसी कसौटी पर आपको कसने वाला है। और इसलिए इन सबका देखिए, कोई अवार्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें उसने किसी औद्योगिक विकास के लिए क्या काम किया, सोशल सेक्टर में क्या काम हुआ वही अवार्ड पा गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन में और नहीं आए होंगे। कितनी एंट्री आती है एवरेज? 100, 100, 125, 150 एंट्री आती है, और उसमें से 5-10 का नंबर लगता है। और सबके, और ऐसा भी नहीं है कि कोई 22 माइंड के जूरी बैठी होगी सोशल सेक्टर को और कोई देती होगी। यही है जो इंस्पायर करती है, यही है जो परिणाम लाती है, और यही है जो देश चाहता है। और इसलिए हमारे अपने कामों में, अपने विकास में हम इसको कैसे करें, और इसलिए अवार्ड को किस प्रकार से उसको लाया जाए, ये मैं समझता हूं। हम ये करें कि जिसको अवार्ड मिला है हर जगह पे ले जाके भाषण करवाए तो उसे फायदा नहीं होगा। एक्चुअली जहां हुआ है वहां जाकर के केस स्टडी होना चाहिए, उसको कहना चाहिए, रिपोर्ट तैयार करें, तब जाकर के फायदा होगा। दूसरा काम, सिविल सर्विस डे को हम एक युवा मित्र डे के रूप में भी, अब आप 12 महीना काम करते, 5 दिन काम नहीं करोगे तो दुनिया अटक नहीं जाएगी, क्योंकि बाकी बहुत लोग हैं। मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना तो किसी सचिव को बुलाता था तो पीछे एक बड़ी फौज आती थी। मैंने कहा भाई इतने सारे क्यों आए, आप नए थे, हम कोई ज्यादा जानते नहीं थे, अनुभव नहीं था। तो वो क्या होता था, मैं उनको कुछ पूछता था, यूं देखते थे तो पीछे वाला यूं कह देता, और ये बड़े तमाम होते नहीं साहब, एक शब्द तो पकड़ लेते थे, वो मुझे समझा देते थे। फिर मैं समझ गया कि रहस्य क्या है। तो मैंने मेरे यहां तय किया था कि मैं जिसको बुलाऊंगा वो ही आएगा, फौज लेकर के नहीं आएगा। तो उनको फिर काफी मेहनत पड़ती थी, तकलीफ रहती थी, लेकिन उसके कारण इंस्टीट्यूशनल में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया, पूरी इंस्टीट्यूशन में इंप्रूवमेंट आया। कहने का तात्पर्य मेरा दूसरा था, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या इस सर्विस से जुड़े हुए सब लोग इस सिविल सर्विस डे के कालखंड में, छुट्टियां होती हैं तो हमें अवकाश नहीं है, लेकिन कोई एक और समय तय किया जाए, फिक्स टाइम किया जाए, जिस समय कॉलेज में जाकर साल में एक बार स्टूडेंट्स को संबोधित करें, उनसे मिले, बातचीत करें, उनको समझाएं कि मैं इस फील्ड में क्यों आया, मेरे सामने क्या कुछ नहीं था, मैं अमेरिका जा सकता था, मैं ये बन सकता था, मैं ये बन सकता था, मैंने ये सब छोड़ा, मैं क्यों यहां आया, और आकर के मेरे इतने साल का अनुभव क्या है। हमारी युवा पीढ़ी को यहां पर लाने के लिए, प्रेरित करने का समय आ गया है, क्योंकि ग्लोबली इतनी बड़ी कंपटीशन है टॉप क्लास ह्यूमन रिसोर्स की, कि फिर अच्छा अच्छा लोग कहीं और चले जाएंगे, हमारे पास अच्छे लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम उसको इंस्पायर कर पाए, और मैं कर नहीं पाऊंगा, आप कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने अनुभव से बताएंगे कि मैं, मेरे जीवन में इतने इतने अवसर थे, मैंने सब छोड़ा, मैं यहां चला गया, और यहां गया तो मुझे संतोष क्या है। अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मेरे जीवन काल में 50 लोगों की जिंदगी बचाता, लेकिन डॉक्टर होने के बाद आईएएस बना और हेल्थ सेक्रेटरी बना, तो मैंने ये नीतियां बनाई, पूरी पीढ़ी को बचा लिया। कितनी बड़ी ताकत होती है, कितनी बड़ी ताकत होती है। और इसलिए ये विश्वास हमारी नई युवा पीढ़ी को पैदा करने के लिए, हमारे ये जितने साथी हैं, हर एक के लिए तय हो कि कम से कम एक लेक्चर लेना है, और ये भी तय किया जाए मैपिंग कि भाई
इस वर्ष मानो 200 कॉलेजेज हो गई तो अगले साल दूसरी 200 कॉलेज ले जाए, लेकिन स्टूडेंट के पास ये फील्ड क्या है, ये लोग कौन है, कैसे काम करते हैं, ट्रेनिंग क्या होती है, दिन भर वो रहे, एक भाषण हो, बाकी गप्पे गोष्ठी हो, चाय पान हो, एक प्रकार का मिलने जुलने का एक कार्यक्रम सिविल सर्विस डे के रूप में एक्सटेंड करने की आवश्यकता मुझे लगती है, ताकि नई पीढ़ी को पता चले। और मैं मानता हूं ये हमारी इंस्टीट्यूशन इतनी ऊंचाई पर न चली जाए ताकि समाज से कट हो जाए, ये लगातार उसको समाज के साथ जुड़ने के अवसर खोजने पड़ेंगे। तीसरा एक मेरा सुझाव है कि हम 75 प्लस वाले जितने रिटायर्ड आईएएस अफसर यानी जितने भी हमारे सिविल सर्विस के अफसर हैं 75 प्लस, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम कर सकते हैं। हर वर्ष न करें तो 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष ऐसा भी किया जा सकता है, 5 साल में एक बार सबको इकट्ठा करके और हर साल हर कैडर अपना, आईपीएस वाले अपना करें, आईएफएस वाले अपना करें, हर राज्य में हो। इससे क्या होगा, देखिए जो 35 साल 40 साल तक देश के महत्वपूर्ण निर्णयों का सारथी रहा हो, वो एक इंसान रिटायर्ड नहीं होता है जी, वो जाता है तो एक पूरी इंस्टीट्यूशन अपने साथ लेकर के जाता है, उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, उसके अनुभव का निचोड़ हमने लेते रहना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बुलाना चाहिए। और तीसरा एक काम, हर राज्य में अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के सिस्टम होती है, स्टेट कैपिटल जितने आईएएस अफसर है वो और बाकी सब वीडियो कॉन्फ्रेंस में, स्टेट में ये जो सीनियर लोग हैं उनसे कभी गोष्ठी का कार्यक्रम, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी सरकार के लिए अनिवार्य होती है जी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के बिना सरकारें नहीं चल सकती है, और इस चीज को धीरे धीरे हम खो रहे हैं। पहले का जमाना था आप जाते समय एक नोट लिख करके जाते थे, क्या बोलते हैं इसको, है हाँ, सक्सेसर के लिए, मैंने सुना है कि इन दिनों ये सब वो आता है, आइए आइए लीजिए, कुर्सी देकर के चला जाता है। देखिए मैं समझता हूं जिन्होंने व्यवस्थाएं विकसित की होगी इसका बड़ा, देखिए गैजेट्स, आप डिस्ट्रिक्ट के गैजेट्स देखिए जी, मुझे मालूम नहीं नई पीढ़ी के लोग देखते कि नहीं, मैं अपना शौक था तो मैं देखता था, और जब डिस्ट्रिक्ट गैजेट्स के वो चीजें देखता था मैं हैरान था किस समय कैसे निर्णय महत्वपूर्ण हो गए। मुझे एक बार क्या हुआ, मैं डांग जिले में गया, डांग जिला की एक विशेषता रही है, एक प्रकार से डांग कभी गुलाम नहीं रहा, एक ऐसा ऐसा बड़ा विशिष्ट प्रकार का इलाका है, एक प्रकार से गुलाम नहीं रहा, वो एक अलग से उनकी व्यवस्था थी, तो मेरा ही रुचि थी, मैं देखने गया। मैं वहां गया, मैं थोड़ा मौका मिलता जंगलों में जाने का आदत रखता था, और तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो मैं ऐसे ही खाली अपना दम। मैंने देखा कि इतने गेस्ट हाउस बने हुए हैं डांग डिस्ट्रिक्ट में, मैं हैरान था यार ये पैसों की बर्बादी, और गेस्ट हाउस बहुत बढ़िया है और इतनी बढ़िया लकड़ी और इतना बड़ा कार्विंग वगैरह है, मेरे मन में भावा यार इतने तो मर खाया क्या। मुझे उस गैजेट में से पता चला उस समय अंग्रेज लोग हाथी पे ट्रैवलिंग करते थे, जंगल थे, हाथी एक दिन में 20 किलोमीटर से ज्यादा चलाते नहीं थे, चलता नहीं था, और इसलिए हर 20 किलोमीटर पर गेस्ट हाउस था। आज मुझे परेशानी हो रही थी इतने गेस्ट हाउस क्यों है, कहने का तात्पर्य है कि जो व्यवस्थाएं चलती है उसके मूल में कोई ना कोई कारण होता है जी। कभी कभार हमारा बड़ा उत्साह होता है कि ये नया कर दे, टिकना कर दे, फलाना कर दे, लेकिन हिस्ट्री को हाथ लगा के बढ़ना चाहिए जी। कभी कभी ये इतनी परंपराओं से बनते 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 व्यवस्था विकसित हुई होती है, उन जड़ों को कभी भी उखाड़ फेंक करके हम नई व्यवस्थाओं को नहीं ला सकते। और इसलिए इंस्टीट्यूशनल मेमोरी मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
उसके लिए अगर वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है तो पुनर्जागृत करनी चाहिए। मैंने अभी एक विषय रखा हुआ है, अब वो कितना सफल होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, मैं टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ करूं तो चलेगा ना क्योंकि आप दो दिन से तंग आ गए होंगे सुन सुन करके, उसमें मैं ज्यादा ही कुछ कह दूं। मेरे मन में क्या विषय था मेरा छूट गया, हाँ मेरे मन में एक विचार चला है, मैंने कहा है अब देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो सकता है। हमने कहा है कि एक मेमोरी क्लाउड हम तैयार करें और शायद हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ काम शुरू किया है, और एक अनुभव प्लेटफॉर्म बनाए। जो भी व्यक्ति रिटायर्ड होता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, ड्राइवर हो तो भी, चीफ सेक्रेटरी हो तो भी, चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तरीके के कोई भी व्यक्ति जो सरकार में रिटायर्ड हो रहा है, उसको कहा जाए कि भाई तुम नौकरी आरंभ की रिटायर्ड होने तक जो भी अच्छी बातें तुम लिख सकते हो, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं लिख सकते हो, लिखो और इस क्लाउड में डाल दो, फोटो भी डालनी हो तो डाल दो, तुम्हारी पहली नौकरी वाली फोटो डालनी हो तो वो भी डाल दो। अब कोई कपबोर्ड की जगह की कमी नहीं है जी, पूरी स्पेस आपके हवाले है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 50 साल के बाद किसी को किसी राज्य का किसी देश का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर लिखना हो, समाज जीवन पर लिखना हो, इतना बड़ा खजाना कभी उपलब्ध हो सकता है क्या? सहज है जी, सहज करने वाला काम है। हम अभी से उनको कहेंगे भाई तुम जब रिटायर होंगे तो तुम्हें रिटायर होते समय 2 पेज 5 पेज जितनी तुम्हारी लिखने की ताकत, बढ़िया सा चीजें, हो सकता है कुछ नेगेटिव भी होगा, कुछ होंगे जिसकी शिकायत रही होगी जिंदगी भर मुझे ऐसा पोस्टिंग मिला ऐसा पोस्टिंग मिला, तो वो सारी दुनिया भर को लिखता रहता होगा जो भी हो, लेकिन हमारा काम है कि देश चलाना है तो हमें इन व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसको कर सकते हैं और इसको करने का हमारा प्रयास रहना चाहिए, और मैं मानता हूं कि अगर हम इस बात को करते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है जाने अनजाने में भी, मैं जानता हूं किसी जमाने में सरकारी व्यवस्था को काम करने की स्थिति अलग थी, आज ज्यादातर उसको प्रेशर में काम, प्रेशर प्रायोरिटी बन जाता है, यह स्थिति आई है, और इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिदमेटिक कुछ काम होने चाहिए, इंटरनल रिफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए उसके पास कठिनाइयां है, ये मैं जानता हूं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, कुछ कुछ ऐसी हालत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा काम सिर्फ डिपार्टमेंट चलाना इतना नहीं है, हमारा काम विद इन डिपार्टमेंट उसको मॉडर्नाइज करना, उसको स्ट्रेंथन करना, इनोवेट करना, ये निरंतर प्रक्रिया होती रहनी चाहिए। निरंतर प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, मैं बता दूं कैसे होता है। आपको आज जानकर के हैरानी होगी, देश आजाद हुआ 1947 में, 2001 तक हिंदुस्तान में डिजास्टर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था। क्यों? क्योंकि 2001 तक हमारी समझ ये थी कि बाढ़ और सूखा यही डिजास्टर होता है, बाढ़ और सूखे के सिवाय कोई डिजास्टर होता है ये हमारी सरकारी व्यवस्था या सोच में ही नहीं था, ऐसा नहीं क्या नहीं होती थी। 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया और सारी सरकारी व्यवस्थाओं को पुनर्विचार करना पड़ा, और पहली बार डिजास्टर एग्रीकल्चर से बाहर निकाल करके महत्वपूर्ण होम मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा गया जिसका सीधा राज्यों के साथ संबंध रहता, ये बदलाव लाते लाते इतने साल लग गए और इतने बड़े भूकंप का इंतजार करना पड़ा। अगर हम स्वभावतः, ये जरूरी नहीं है कि 47 में वो, अब जैसे सरदार पटेल जिस समय होम मिनिस्टर थे ये एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं के अंडर में था, आज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बदला तो समय रहते बदलाव आते हैं। मैं मानता हूं कि आप उस टीम के लोग हैं जिनका काम
उस इंस्टीट्यूशंस को जन्म देना भी है, जो इंस्टीट्यूशंस आने वाले में 25 साल 50 साल सेवा में अधिक ताकतवर बनती जाए। और इसलिए सिविल सर्विस डे पर जब हम काम करते हैं तो हमारा यह काम रहना चाहिए कि हम इस रिफॉर्म को कैसे करें। एक रिपोर्ट मेरे ध्यान पर लाया गया है, मैं जानता हूं कि मेरे पूरा भाषण का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन मैं मीडिया के मित्रों को प्रार्थना करूंगा कि अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसी पर अटक न जाए वो। ये कठिनाई है जी देश की, क्या करें। और जो मैं कह रहा हूं वो मेरी सरकार का नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि इसका नेगेटिव उपयोग नहीं होना चाहिए, हर चीज से हमको पॉजिटिव सीखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, गोल्डमैन सैक का एक रिपोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस का जो इफेक्टिवनेस है पूरे एशिया की जो एवरेज है, मैं बाहर की बात नहीं बताता, मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात नहीं बताता, एशिया की जो एवरेज है उस लेवल पर अगर हिंदुस्तान की गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस लाना है तो इट विल टेक 10 ईयर्स। एक गोल्डमैन सैक ने हमको दर्पण दिखाया है। क्या हम ऐसे ही चलेंगे क्या? और जब हम उस एवरेज पर पहुंचेंगे तब तो वो कहां पहुंच गए होंगे, फिर तो हम तो वहीं लुढ़के रहेंगे। एशियन कंट्रीज की एवरेज की बराबर भी अगर आज हमारा इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं है, ये कब किस समय का एनालिसिस है इस चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है और मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी है, मैं इसे आत्मनिरीक्षण के लिए देखता हूं। और हम वो लोग बैठे हैं जिनका सामूहिक दायित्व तो बनता है, मैं और तुम नहीं, हम, हमारा दायित्व तो बनता है। और मैं समझता हूं एक दूसरी बात उन्होंने कही है, सिविल सर्विस रिफॉर्म के कारण पर कैपिटा ग्रोथ 1% बढ़ता है, ये ताकत है। आपको आर्थिक विकास करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रगति करनी हो, सर्विस सेक्टर में प्रगति करनी हो, इफेक्टिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म्स, और ये नीति विषयक बातें बहुत बड़ी नहीं होती है, अंदरूनी व्यवस्थाएं होती है। जैसे हम कहते हैं भाई ई गवर्नेंस, इट्स नॉट सिंपली ये। अब मैंने तो अब तो स्थिति शायद बदली है क्योंकि सबर को उपयोग लगने लगा, क्योंकि सब मोबाइल फोन पर दुनिया चलाने लगे, वरना पहले सरकारों का ध्यान कंप्यूटर खरीदने में रहता था, बड़ा कार्यक्रम रहता था कंप्यूटर खरीदना, क्यों दुनिया को लगता था। अब आज भी कोई मिलने आए आपको आए और उसके हाथ में आईपैड नहीं, तो लगता है ये पुराना आदमी है, नया नहीं है, ऐसा लगता है। ये समाज की सोच बदल रही है। फिर क्या हुआ, तो जैसे पहले गुलदस्ता रखते थे टेबल पे, अब कंप्यूटर रखने लगे, कोई आए तो बड़ा अच्छा लगता था। थोड़ा समय गया तो कंप्यूटर कन्वर्टेड इन टू द कपबोर्ड, सामान भर देते थे। अभी भी ये टेक्नोलॉजी एनालिसिस के लिए सबसे बड़ी ताकतवर टेक्नोलॉजी है, इस दिशा में तो अभी पहुंचना बहुत बाकी है। ज्यादा से ज्यादा कपबोर्ड के रूप में माल सामान रखते रहो भाई, फाइल आई स्कैन करो डाल दो। कहने का तात्पर्य यह है कि ई गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस, इज इकोनॉमिकल गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस। और वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया मोबाइल गवर्नेंस पे चलने वाली है, लेकिन अगर हम अपने आप को सज्ज नहीं करेंगे दुनिया चल पड़ेगी, तो फिर मैं समझता हूं कि हम कितनी ताकतवर क्यों ना हो, हम दुनिया हमसे जो अपेक्षा कर रही है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम रिफॉर्म को बल दें, और रिफॉर्म ही हमारी अंदरूनी व्यवस्था है, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े उसको करना चाहिए। तीसरी एक महत्व की बात उन्होंने कही है गोल्डमैन सैक ने, उसने कहा कि
वर्ल्ड वाइड जो गवर्नेंस का इंडेक्स है 2004 में हम 55 देशों से आगे थे, हमारे पीछे 55 देश थे। 2013 में हम 8 नंबर पीछे चले गए। इसका मतलब यह हुआ, एक बात हम मान के चलिए, झरना कितना ही प्यारा क्यों ना हो, झरने का संगीत कितना बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन उसको आगे जाकर के विराटता की ओर जाने का अवसर नहीं है तो झरना कहीं सूख जाता है। और इसलिए हमारी व्यवस्था भी हम कहीं से शुरू करें, विराट की तरफ जाने के लक्ष्य के साथ चलनी चाहिए, वरना ये सब किया कराया सूख जाएगा। कितनी ही पीढ़ियों ने यहां तक हमको पहुंचाया है, कितने ही कैबिनेट सेक्रेटरी बनकर के गए होंगे, कितने ही चीफ सेक्रेटरी बनकर गए होंगे, कितने ही सेक्रेटरी बनकर गए होंगे, उन सबके पुरुषार्थ से आज हम पहुंचे हैं। अब हमें तेज गति से उसको आगे ले जाना, ये हमारा दायित्व बनता है। वो उन्होंने चोग दिया उसको संभाल के बैठे रहना, ये बात नहीं चलती है। उसमें जो श्रेष्ठ है उसको आगे ले, जो नया श्रेष्ठ जोड़ सकते हैं जोड़ते चले, और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए, ये मुझे बहुत आवश्यक लगता है। और उसको हम करें, मुझे विश्वास है कि उस दिशा में भी हम चलेंगे तो आने वाले दिनों में फायदा होगा। एक मेरा मत है, जब मैं इफेक्टिव गवर्नेंस की बात करता हूं, गुड गवर्नेंस की बात करता हूं, देखिए विदाउट आर्ट गुड गवर्नेंस इज इम्पॉसिबल। गुड गवर्नेंस आर्ट के बिना चल नहीं सकती। और जब मैं आर्ट कहता हूं, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ए आर टी, ये आर्ट चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। बिना आर्ट जीवन भी संभव नहीं होता, तो बिना आर्ट गवर्नेंस भी संभव नहीं होता दोस्तों। और इसलिए मैं चाहूंगा कि उस बात को हम करें। कभी कभार हम जब काम करते हैं, इतनी समस्याएं होती है, इतनी चीजें दिखते हैं, तो हमारे मन में एक विचार आता है, ज्यादातर लोगों को आता है, अकेला हूं क्या करूंगा, कैसे होगा। दोस्तों आप अकेले नहीं है, आप विश्वास कीजिए आप कभी भी अकेले नहीं है। दुनिया में कोई कभी अकेला नहीं होता है, प्लस वन होता ही होता है। जो परमात्मा में विश्वास करता है उसके साथ परमात्मा होता है, जो प्रकृति में विश्वास करता है उसके साथ प्रकृति होती है, जो विज्ञान में विश्वास करता है उसके साथ विज्ञान होता है, जो ज्ञान में विश्वास करता है उसके साथ विज्ञान होता है। हम हमेशा प्लस वन होते हैं। जब हम जीवन भर ये सोचते रहेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, प्लस वन है, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। कभी कभार ये लगता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में यही चलता है, मेरा क्या, नहीं जी जरूर, मेरा क्या प्रमोशन दिखना फलाना, मैं और चीज नहीं कह रहा हूं, मैं और चीज नहीं कह रहा हूं, वो जमाना चला गया, लेकिन मेरा क्या, और अगर वो नहीं मिल बैठा तो मुझे क्या। सारा खेल इन दो शब्दों में चलता है, शुरू होता है मेरा क्या, नहीं हुआ तो मुझे क्या, करो तुम तुम्हारा जाओ काम, जा रहे भगवान जा रहे। मैं समझता हूं हम देश की सेवा के उस जगह पर बैठे हुए हैं जिसमें मेरा क्या और मुझे क्या ये नहीं होता है। हमारा तो यही सपना होता है कि 125 करोड़ देशवासियों की सेवा के लिए ईश्वर ने मुझे एक ऐसा अवसर दिया है, ऐसा अवसर दिया है कि मैं कुछ कर छोड़ के जाऊं। आप भी देखिए जी, मुझे याद है, मेरा शौक था सीखना जानना समझना। मैं जब अफसरों से बात करता था तो कभी मुझे बताते थे कि साहब अपने राज्य में 60s में वो फलाने चीफ सेक्रेटरी थे ना, ऐसा करके गए थे और उनके साथ काम करते थे तो ऐसा होता था।
जूनियर ब्यूरोक्रेसी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के संबंध में इतना गौरव करती है जी, इतनी चीजों को याद करती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जी। हम इसको कम ना आके, आप भी देखिए क्या आज हम वो कर रहे हैं कि हमारे पीछे हमारी जो जूनियर पीढ़ी है वो कभी कहे भाई उस समय मैं तो नया था लेकिन हमारे पुराने अस्पर थे, उन्होंने एक नया बदलाव लिया और आज जो देख रहे हैं ना आप ये बदलाव, उन्होंने जमाने में वो फाइल है देख लेना, उन्होंने शुरू किया। साहब देश राजनेताओं से नहीं चला है, देश से बनाने के लिए चलाने के लिए सैकड़ों प्रकार के लोगों ने हजारों प्रकार के काम किए हैं तब देश चला है और उसमें अहम भूमिका करने का अवसर आपके पास आया है। आप जब निवृत्त होंगे तब कहेंगे कि मैंने 8 चीफ मिनिस्टर देख लिए थे, मैंने 10 चीफ मिनिस्टर देख लिए थे, लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर ये नहीं कह पाएगा कि मैंने इतनों को देख लिया था। आपके पास ये ताकत है, हम तो अस्थिर हैं, आप स्थिर हैं, आप कितनी सेवा कर सकते हैं इसका आप अंदाज कर सकते हैं। और जब मन में कभी आए इतना आ रहा है मैं क्या करूंगा, क्या होगा, मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं मानता हूं इस बात को मन में मत लाइए। एक बार समुद्र तट पर एक बच्चा जा रहा था, समंदर में लहरें आने के कारण मछलियां निकल करके एकदम से बाहर आ गई, एकदम से हजारों की तादाद में मछलियां बिना पानी को छटपटा रही थी। तो उस बच्चे ने मछली को उठा करके पानी में डाला, एक डाला, दो डाला, तीन डाला। तो कोई एक सज्जन जा रहे थे, उन्होंने उसको कह रहा है, अरे बच्चे तू पागल है, हजारों मछलियां पानी के बाहर तड़प रही हैं, तुम ये एक दो को डालोगे क्या निकलेगा, क्या करोगे, क्या होगा इससे। उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उस बच्चे ने, उस अनुभवी व्यक्ति को जवाब दिया, मैं सहमत हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह हजारों मछलियों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जिंदगी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी, लेकिन जिन तीन मछलियों को मैंने वापिस डाला ना उनकी जिंदगी में जरूर फर्क पड़ेगा। यह संतोष होता है। इसलिए कभी यह ना सोचे कि इतने बड़े में क्या होगा, ये तीन को भी मैंने बचा लिया ना तो भी बहुत बात होता है। कोई घास की बड़ी गंजी में आग लग जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, गंजी बोलते हैं घास का ढेर है उसको क्या बोलते हैं, घास का बहुत बड़ा जो भी हो, मुझे शब्द मालूम नहीं है, गुजराती में तो उसको बहुत बड़ा गंजी कहते हैं, बहुत बड़ा घास का ढेर लगा, मानो उसमें आग लग गई तो क्या करेंगे, क्या उसमें पानी डालने से घास बचेगा, क्या पानी डालने के बाद भी उतना ही नुकसान होने वाला है जितना आग लगने से होने वाला था, करे क्या, कोई मिट्टी डालेगा तो उससे काम होगा, समझदार आदमी क्या करेगा, घास के ढेर में से जितना घास खींच करके दूर ले जा सकता है ले जाएगा, जितना बच गया बच गया, दोस्तों चारों तरफ आग लगी हो गई तो भी रास्ता है, कुछ तो निकाल करके नहीं कर सकते हैं, हम कुछ तो बचा सकते हैं, निराशा के माहौल में भी इस भाव को मन में संजो करके काम करें, हम भी परिस्थितियों को पलट सकते हैं और पलटी जा सकती है। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि हम अपने जीवन में इन बातों की ओर अगर ध्यान देंगे तो कभी काम का बोझ नहीं लगेगा, संकटों की विराटता नहीं लगेगी। और दूसरी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की एक ताकत होती है जो संकटों से सीखता है, जो संकटों से सीखता नहीं है। और मैं मानता हूं हर आपत्ति एक अवसर होती है और आपत्ति में से अवसर नहीं खोज पाता है वो सबसे ज्यादा नुकसान मोलता है, सबसे ज्यादा घाटा मोलता है। समझदार व्यक्ति का काम है वो आपत्ति से सीखे। मैं अभी कनाडा गया था तो कनाडा के प्रधानमंत्री से गप्पे मार रहा था, तो उनकी पार्लियामेंट देखने गया था, तो ऐसे ही मैंने पूछा कि आपके यहां आतंकवादियों का हमला हुआ था, तो उन्हें बड़ा मजेदार कहा, बोले खैर संकट तो बड़ा था, नुकसान हुआ, लेकिन हम उसमें भी सीखे। तो मैं जरा जागरूक हो गया,
मैंने कहा क्या सीखे? बोले हमारे यहाँ लोअर हाउस और अपर हाउस बिल्डिंग एक ही है, लेकिन दोनों की सिक्योरिटी अलग अलग है। तो हम बोले पिछले 15 साल से सब सरकार कोशिश करती थी कि लोअर हाउस अपर हाउस की सिक्योरिटी अरेंजमेंट सिंगल हो जाए, लेकिन बोले हम नहीं कर पाते थे, ये संकट के कारण हो गई। तो मुझे तुरंत फड़की, मेरे देश में वही हाल है। पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हमने मौका खो दिया। आज भी हमारे यहां राज्यसभा की सिक्योरिटी अलग है, लोकसभा की सिक्योरिटी अलग है। मैं आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपत्तियां भी खोनी नहीं चाहिए कभी। आपत्तियों से भी अमृत निकाला जा सकता है, ये हमारा स्वभाव रहना चाहिए। तभी जाके रिफॉर्म होता है, तभी जाकर के रिफॉर्म होता है। और मैं मानता हूं कि ये अगर व्यवस्था की ताकत बनेगी तो मैं मानता हूं बहुत बड़ा बड़ा होगा। कुछ दो बातें तीन बातें मैं करके मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। कभी कभार हम स्वयं अपने लिए भी विकास की यात्रा की ओर बल देना चाहिए। मसूरी में जो हमने पढ़ लिया तो देश उसी पर चलता रहेगा संभव नहीं होगा जी, वक्त बदल चुका है। हमें परफेक्शन की ओर जाना पड़ेगा, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ओर जाना पड़ेगा। मैं एक समस्या देख रहा हूं हमारे देश में सामने। हम लोगों को आदत रही है स्कैर्सिटी में काम करने की। मूलतः आज जो 30 साल जिन्हें सर्विस की होगी वो भी जिंदगी के सर्वाधिक समय स्कैर्सिटी में काम किया होगा। पैसे के क्रंच होंगी, तकलीफ होगी, हर मुसीबतों के बीच बेचारे ने चलाने की कोशिश की होगी, और इसके कारण विपुलता में काम करने की आदत ही नहीं बन पा रही है। और भारत के लिए सबसे बड़ा मुसीबत आने वाली है कि विपुलता में काम कैसे करना। रिसोर्स बढ़ने वाले हैं जी, आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, लेकिन अगर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगा विद इन गवर्नमेंट तो हम इन रुपयों का सही समय सही उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब हम स्केयर सिटी से प्लेंटी की तरफ जा रहे हैं उस कालखंड में हमें अपने आप को सज्ज करना होगा। आज भी आप किसी अर्बन बॉडी को पैसे दीजिए, अर्बन बॉडी को कहोगे रिफॉर्म करो, उसके पास मैन पावर ही नहीं है जी। आपने देखा होगा हमारे देश में अर्बन बॉडी जो कि सबसे ज्यादा काम टेक्निकल है, रोड बनाना है, गटर बनानी है, इंजीनियरिंग वर्क है, लेकिन मैक्सिमम स्टाफ क्लरिकल होता है, क्योंकि जो बॉडी चुन करके आती है उनको लगता है कि चलो 50 रिश्तेदारों को भर दो तो क्लार्क भर देते हैं। और परिणाम यह होता है कि जो क्वालिटी मैन पावर चाहिए वो नहीं होता है। क्वालिटी मैन पावर नहीं तो हम क्या करते हैं फिर? ज्यादातर सरकार में कंसल्टेंसी क्यों घुस गई? कैपेसिटी बिल्डिंग का अभाव था, कंसल्टेंसी घुस गई। एनजीओ को काम क्यों देना पड़ रहा है? हमारी लास्ट मैन तक जो डिलीवरी करने का मैकेनिज्म का काम करना चाहिए था वो वीक हो गया, एनजीओ को दे दो यार कर लेगा, वो टॉयलेट बना देगा। मैं समझता हूं जब प्लेंटी की तरफ जा रहे हैं तब कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है। आज जब सिविल सर्विस डे मना रहे हैं तब यहां बड़ी महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हुई है। मैं मानता हूं कि हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर बल देना पड़ेगा, और इसलिए मैंने कहा कि हम सिविल सर्विस डे में यंग यूथ के पास जाएं और नए यूथ को कैसे लाएं, टैलेंटेड यूथ को इस सर्विस में कैसे लाएं, गवर्नमेंट में काम करना ये गर्व कैसे बने, ये माताओं फिर से बनाना होगा। और ये बनाने लीजिए मैं मानता हूं कि हमने इस काम को करना होगा, हमने अपना भी विकास करना पड़ेगा, हमने पुराने अपना रिसोर्स दायरे को बदलना पड़ेगा, नई चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सामान्य नागरिक में भी ये आपने देखा होगा, आपको घर में बहुत बढ़िया अगर ले आए आप वीडियो प्लेयर, आप 50 बार देखते रहेंगे कैसे चालू हो, लेकिन आपका 4 साल का बच्चा बोले पापा आपको नहीं अगला मैं कर देता हूं, फट के कर देता है, इतना बड़ा चेंज आया है जनरेशन। आपको उसको कोप अप करना है, आपको उसको कोप अप करना है, और इसलिए हम इरेलेवेंट नहीं होने चाहिए। एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत विकास करते रहे। मनुष्य कोई भी हो,
हर मनुष्य के अंदर अच्छी और बुरी चीज रहती रहती है। कोई ये कहे कि मेरे में सब गुण ही गुण भरे हैं तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। हर एक के अंदर गुण और अवगुण होते हैं। हमें तय करना है कि मैं इतना बड़ा सामाजिक दायित्व मिला है तो मुझे किस रास्ते पर चलना है। एक बार एक पिता सोते समय बेटे को कथा सुना रहा था, वार्ता कहकर के सोने की आदत थी बच्चे की, तो उसने दादाजी को कहा, दादाजी मुझे जरा आज स्टोरी सुनाई है। तो दादाजी ने वॉल्फ की स्टोरी सुनाई, भेड़िए की। उन्होंने कहा हर एक इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं। तो बच्चा कहने लगा, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, भेड़िया कहाँ होगा अंदर। तो बोले हर एक के अंदर एक दो भेड़िए होते हैं, एक गुड भेड़िया एक इविल भेड़िया, और दोनों की लड़ाई चलती रहती है। जो इविल भेड़िए होते हैं भीतर में, इसमें इतनी इतनी बुराइयां होती हैं, गुड भेड़िए होते हैं इसके अंदर इतनी इतनी अच्छाइयां होती हैं। तो बच्चे ने सहज पूछ लिया, अच्छा लड़ाई होती फिर आगे जीता कौन? तो दादा ने जवाब दिया कि जिसको तुमने ज्यादा पोषण करोगे ना वो जीतेगा। अगर गुड़ भेड़ियों को पोषण ज्यादा करोगे तो अल्टीमेटली वो जीतेगा, इविल भेड़ियों को करोगे तो वो जीतेगा। और इसलिए हम अगर सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा दायित्व लेते हैं, हमारे भीतर हर एक के अंदर कोई अछूता नहीं है, मैं यहां हूं तो मैं भी हूं जिम्मेवार, मेरे भीतर भी दो भेड़िए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किस भेड़ियों को खिला रहे हैं ताकि वो ताकत बने, ताकतवर बने, ताकि इविल भेड़िया जीत न जाए मेरे भीतर का, इस बात को लेकर के हमें चलना होगा। और उसको मैं मानता हूं कि हम चलेंगे। तो हमारी सरकार में साइलो सबसे बड़ी कठिनाई का कारण है। टीम ये अनिवार्य होती है, बिना टीम के काम नहीं होता है जी। और लीडरशिप हमारी क्वालिटी चाहिए, हम टीम कैसे क्रिएट करें, हम टीम कैसे बनाएं, टीम को कैसे चलाएं। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता जी, हर किसी को टीम चाहिए। कृष्ण भगवान को भी गोवर्धन उठाना था तो उन सारे ग्वालियों की लकड़ी लगानी पड़ी थी। राम को भी सेतु बनाना था तो सब बंदरों की जरूरत लग गई थी, हनुमान जी को लगा दिया गया था। आपको भी अगर कृष्ण और राम को भी उसकी जरूरत पड़ी तो मैं और आप कौन होते हैं जी। हमें भी टीम चाहिए, बिना टीम हम कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए टीम क्रिएशन, उस पर हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमारी पांच उंगलियां चार उंगली एक अंगूठा, भी अकेले अकेले रहेंगे तो क्या होगा? बाय बाय करने के सिवा किसी काम नहीं आएंगे वो। लेकिन वही टीम बन के काम करें तो चाहे वो परिणाम दे सकते कि नहीं दे सकते। अब हमें तय करना है कि हमें बाय बाय करना है कि टीम बन करके ताकत दिखानी है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम टीम बनाने की दिशा में चाहिए। कभी कभार काम करते करते निराशा आ जाती है, पता नहीं यार कैसे होगा। दो शब्द मैं चर्चा करना चाहूंगा। पता नहीं क्यों ये शब्द कैसे हमारे भीतर घुस गए हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक टेम्परामेंट और दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब ये शब्द बाहर से नहीं आए, किसी पत्रकार ने हमारे सर पे नहीं थोपे, ये हम ही लोगों ने उपयोग किया। ये हमने अपने ही अंदर, आपने देखा होगा एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है लेकिन कहीं पर रुका हुआ है, उसको पूछोगे क्या हुआ भाई, अरे पता नहीं वहां सब ब्यूरोक्रेटिक हुए है, फाइल जल्दी नहीं निकलेगी। यानी हम ही सिस्टम में है और एक जगह पे फाइल नहीं निकलती है तो हम कहते हैं यार उसका ब्यूरोक्रेटिक वे है। उसी प्रकार से कुछ काम अटका है तो जो न्यूज लीक करने वाले क्या गए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है। लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम का चोली दामन का नाता है, छूटने वाला नहीं है जी, हकीकत है। लोकतंत्र की यही तो विशेषता है, जनप्रतिनिधि आने वाला है, जनप्रतिनिधि फैसले करने वाला है। जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है कि अगर देश चलाना है तो लोकतंत्र की सूझबूझ के साथ ये आवश्यक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन अनिवार्य रूप से चाहिए, वरना लोकशाही नहीं चल सकती है।
पॉलिटिकल इंटरवेंशन इज नीडेड, वरना जन सामान्य की आवाज को कैसे पहुंचाएंगे? इंटरफेरेंस तबाह कर देता है, इंटरवेंशन अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से स्पोर्ट्समैन में देखा होगा आपने, खिलाड़ी हार जाए तो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शब्द में गर्व होता है। हम ही लोग हैं ब्यूरोक्रेसी, इन्हें क्या शब्द प्रयोग गाली बना दिया हमने। ये हमारी जिम्मेवारी है कि ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक कहां सब बेकार, यानी अटकना, रुकना, अड़ंगे डालना, मतलब ब्यूरोक्रेटिक। ये परिभाषा लोकतंत्र में अच्छी नहीं है, हमें ही बदलनी होगी। और उसके कारण जो अच्छे लोग हैं वो भी नहीं कर पाते। इन दोनों शब्दों ने अपनी ताकत खो दी है। फिर से उसको प्राणवान कैसे बनाया जाए, सामर्थ्यवान कैसे बनाया जाए। और शब्दों का अपना एक मूल्य होता है, वो अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम होता है। और उसके लिए अगर हम कोशिश करें, मैं समझता हूं कि हम परिणाम देंगे। कभी कभार काम करते करते निराशा आ जाती है, निराशा आ जाती है। एक बार बहुत साल पहले, मैं स्टूडेंट एज की बात कर रहा हूं, रीडर्स डाइजेस्ट ने कंपटीशन रखी थी। उस कंपटीशन बड़ी विशेष थी। उसने लोगों को कहा था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस सही होना चाहिए, अपनी जिंदगी का सही घटना होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। और उसने प्रश्न पूछा था कि सफलता और विफलता के बीच में फासला कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, और सही घटनाएं लिखनी थी। तो एक सज्जन ने लिखा, रीडर्स डाइजेस्ट में छपा था, बहुत साल हो गए, उसने लिखा कि जय और पराजय के बीच, सफलता और विफलता के बीच 3 फुट का फासला होता है। फिर आगे उसने वर्णन लिखा, उसने कहा कि मैं एक इंजीनियर था, नौकरी की तलाश कर रहा था अमेरिका में, कोशिश करता था, कुछ काम मिल जाता था। फिर इतने में मैंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी कि अफ्रीका में सोने की खदानों को ही नीलामी होने वाली है, और उसमें लिखा गया था कि वो खदानें हैं जिसमें से सोना निकाल दिया गया है, निकालने वाली कंपनियों ने अपना काम पूरा करके चली गई है, अब ये जो खाली पड़ा है वो हम देने वाले हैं, तो पैसे भी ज्यादा लगने वाले नहीं थे। तो इसने कहा कि मैंने अप्लाई किया, बहुत कम पैसे में मुझे खदान मिल गई, और एक बहुत बड़ी कंपनी वहां सोना निकालने का काम करती थी, और फिर आगे देखा कि कुछ निकलता नहीं तो वो चले गए। मुझे लगा चलो मैं कोशिश करूं, तो बोले मैंने कोशिश शुरू की, मेरे पास तो ज्यादा साधन नहीं थे, सामान्य मैनुअल वर्क से मैंने शुरू किया, सिर्फ 3 फुट मैं नीचे गया और मुझे बहुत बड़ा सोने का भंडार नया मिल गया, और मैं दुनिया का अरबोंपति हो गया। मेरे लिए विजय और पराजय, सफलता विफलता के बीच सिर्फ 3 फीट का फासला है। मैं मानता हूं दोस्तों, आप भी जिंदगी में इंतजार सोच के चलिए, 3 कदम दूर सफलता आपका इंतजार कर रही है, विजय आपका इंतजार कर रहा है। और इसलिए किसी पल ये मत सोचिए अब क्या, बहुत हो चुका, अब लगता नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। 3 कदम दूर कोई विजय, कोई सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर इस निष्ठा के साथ खुद पर भरोसा रख करके जिंदगी को चलाने की कोशिश करोगे, आप अवश्य सफल होंगे। मैं फिर एक बार सरदार पटेल को प्रणाम करते हुए इस महान संस्था को राष्ट्र के आर्थिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण के लिए, विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाने के लिए आपको जो अवसर मिला है, आप देश की बहुत बड़ी अमानत हो। इस अमानत का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए होता रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी तरफ से आपको हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।